हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो फिर से आ चुका हूँ मैं इनका आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो आओ यार, शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के, लेट्स गो। तो आज से फिर से शुरुआत होने जा रही है माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 की। तो अभी देख सकते हो मैं यहाँ पे कहाँ पे स्पॉन हो चुका हूँ, माउंटेन्स के अंदर। नीचे की ओर एक नदी दिखाई दे रही है, चारों तरफ मुझे पहाड़ी पहाड़ नज़र आ रहे हैं। तो चलो यार, जल्दी से अपना वुड वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। और ये वीडियो बता नहीं, थोड़ा सा अगर लेग लगे तो उसका मैं सोल्यूशन कर दूंगा बाद में। तो आओ यार, जल्दी से अपना वुड वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से पीछे की ओर देखते हैं, हमारे पास आसपास देखते हैं कि क्या मिलता है और क्या नहीं। तो वहाँ पे पीछे की ओर मुझे स्नो माउंटेन दिखाई दे रहा है और एक लगता है कि रून पोर्टल भी नज़र आएगा शायद तक। हाँ, और वो देखो, वह रहा रून पोर्टल। तो आपको देख रहे हो कितना लक है मेरा, भले ही जगह के घटिया स्पॉन हुआ हूँ लेकिन मेरा किस्मत बहुत ख़राब नहीं है इतना भी, क्योंकि पीछे के स्नो बायो में तो वहाँ पे जाने में थोड़ा सा खतरा तो रहता ही है। आपको बताया अभी के 1.19 अपडेट के अंदर। तो जल्दी से अपना क्राफ्टिंग टेबल एक्स पिकेक्स बना लेते हैं। अभी मेरा 100 पिकेक्स बन चुका है जल्दी से, तो खाना वगैरह कलेक्ट भी कर लेते हैं और जल्दी से चलते हैं अपने ड्रून पोर्टल की तरफ और देखते हैं उसके चेस्ट के अंदर मेरे को क्या मिलने वाला है। आई थिंक गोल्डन एप्पल मिल जाए तो अच्छा है, और तो क्या, एंशेंटेड गोल्डन एप्पल तो नहीं मिलने से रहा। और देख सकते हो वहाँ पर मुझे दो गोल्ड के ब्लॉक भी नज़र आ रहे हैं। और चिकन चाचा कैसे हो, किधर जा रहे हो, ज़रा खाना वाना दे दो हमको भी। तो चलो यार, जल्दी से चलते हैं ऊपर की ओर, और थोड़ा सा रिस्क भी है क्योंकि ये माउंटेन स्नो वाला बायो में तो चढ़ने में थोड़ी दिक्कत वगैरह होगी, क्योंकि मेरे पास अभी लेदर का बूट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ध्यान से देख कर चढ़ना पड़ेगा क्योंकि अगर अंदर फंस गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ओ भाई साहब, यहाँ पर तो आयरन वगैरह भी मिल गया। चलो यार, गोल्ड ब्लॉक लूटने में अच्छा होगा। वो भाई साहब, मुझे लगा दो ही है लेकिन नहीं, यहाँ पे 3 आयरन वगैरह मिल चुके हैं मेरे को। तो जल्दी से ढेर सारा कोबल स्टोन लेके फर्नेस भी बना लेंगे और यहाँ से अपना आयरन वगैरह माइन करके सीधा रून पोर्टल की तरफ चलेंगे। हमारे पास 8 कोबल स्टोन हो चुके हैं, तो इनसे मैं एक स्टोन के पिकेक्स भी बना लेता हूँ जिससे कि आयरन वगैरह माइन का हो जाएगा हमारा। तो अभी इस आयरन को माइन करते हैं और चलते हैं सीधा रून पोर्टल की तरफ। और अभी सोचता हूँ क्राफ्टिंग टेबल को यहीं पर रख देते हैं, थोड़ी देर के अंदर लगता है रात होने वाली क्योंकि सूरज काफ़ी ऊपर रहा है मेरे, ढलने वाला है थोड़ी देर के अंदर। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा अपग्रेडेशन का भी अचीवमेंट अनलॉक हो चुका है। और जल्दी से चलते हैं उस रून पोर्टल के पास। और मैं काफ़ी दिनों बाद खेल रहा हूँ तो थोड़ा सा खेलने में दिक्कत भी हो रही है लेकिन इतनी भी नहीं। और अभी चेक करते हैं कि अपनी चेस्ट के अंदर क्या मिलने वाला है हमको, आई होप कुछ अच्छा ही मिले। और देखते हैं, ओ भाई साहब, गोल्डन एप्पल मिल चुका है यहाँ पे हमको, और दो ऑब्सीडियन फ्लिंट, 10 स्टील और 2 फ्लिंट भी मिल गए हैं। जल्दी से इनको कलेक्ट करते हैं और अपने फर्नेस में आयरन को भी स्मेल्ट कर देते हैं जल्दी से। और एक गोल्ड ब्लॉक इधर है, एक उसके साइड में भी है। अच्छा है, 2 गोल्ड ब्लॉक से हमारा बहुत कुछ बन जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं, छोटा सा आर्मर भी बना लेंगे। और क्या, अभी यहाँ से कोल वगैरह ले लेते हैं जल्दी से जिससे कि हमारा आयरन वगैरह स्मेल्ट हो जाए और टॉर्चेस भी बन जाए। तो ये सारा काम मैं जल्दी से निपटा लेता हूँ। तो यार गाइस, अभी मैंने बना लिया अपना फर्नेस, तो इसके अंदर जल्दी से हम अपना आयरन स्मेल्ट करने के लिए रख देते हैं। तो मेरे पास अभी 3 आयरन है, तो ज़्यादा खाना वगैरह भी नहीं है, तो मुझे यहाँ से जल्दी शिफ्ट करना पड़ेगा वरना कुछ भी फ़ायदा नहीं है यहाँ पर रहने का। और अभी थोड़ा सा इंतज़ार करते हूँ जिससे कि मेरे को आयरन स्मेल्ट हो गए मिल जाए। तो अब तक लगता है कि मेरे आयरन स्मेल्ट हो चुके हैं क्योंकि कोल काफ़ी ज़्यादा फास्ट हैं।
तो वुड्स वुड से तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हैं, तो चलो यार इसको जाके जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं। और अभी मेरी हाइट काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, 136 के आस के माउंटेन्स के ऊपर हूँ अभी मेरी हाइट। अगर यहाँ से सीधा अगर छलांग लगा दूँ ना नीचे, पक्की मेरी मौत होने वाली है। तो चलो यार जल्दी से, अपने पिकेक्स बन चुकी है और जल्दी से अपना दोनों के दोनों गोल्ड ब्लॉक्स को लेके आते हैं और अपनी इन्वेंट्री में रखते हैं। और यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग को हम जल्दी चलेंगे, सारी रात यहाँ पे बैठ के कोबल स्टोन वगैरह माइन कर लेते हैं, तो जिससे कि थोड़ा सा अपग्रेडेशन भी कर लेंगे हमारा और हथियारों का, और इसमें गमकियों को हटा लेते हैं यहाँ से। और चलो यार मैं जल्दी से गोल्ड ब्लॉक माइन कर लेता हूँ यहाँ से। मेरे को थोड़ी सी देर लग गई क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से खेला नहीं था, तो अभी रात भी हो चुकी है। तो मेरे पास बहुत ही अच्छे शेडर्स हैं जिनमें सनसेट और सनराइज़ बहुत ही अच्छा दिखता है। तो चलो यार अभी सारी रात इसी खोपचे के अंदर बिताते हैं और मैं मिलता हूँ आपको सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग के अंदर। हो चुकी है फाइनली, तो मैंने सारी रात बैठ के अपना खाना वगैरह कुक किया और कोबल स्टोन कोल वगैरह सारा जमा कर लिया, और यहाँ से अपने क्राफ्टिंग टेबल उठाते हैं। और आप देख सकते हो शेडस के अंदर सनराइज कितना अच्छा लग रहा है और क्लाउड्स भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। तो भी देखते हैं आसपास कुछ मॉब्स वगैरह है या फिर नहीं, क्योंकि सारी रात मॉब स्नो के अंदर दस दस के मर रहे थे, तो उसकी आवाज़ आ रही थी। तो ओ भाई साहब देख रहे हो क्रीपर अच्छा जा रहे हैं साइड में से। तो अभी मैं बाहर निकलता हूँ और यहाँ से आसपास के पेड़ से वुड कलेक्ट करता हूँ और चलता हूँ सीधा विलेज की खोज के अंदर और देखता हूँ कि मेरे को विलेज मिलता है या फिर नहीं। मच 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 लेटर। तो यार गाइस इतनी देर से ढूंढने के बाद मेरे को विलेज वगैरह कुछ भी नहीं मिला, लेकिन बीच रास्ते मैंने फूड और शुगर कैन वगैरह दिखे तो मैंने उनको भी कलेक्ट कर लिया। फूड तो आपको पता ही कैसे ले लिया मैंने। और भाई साहब इतनी देर बाद मेरे को 3 शिफ्ट मिली है फाइनली जाके, तो अभी इनसे सब बेड बना लेते हैं और आज की रात यहीं पर सोएंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि चारों तरफ माउंटेन माउंटेन है तो नगर भी यहीं पे बना लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्लावर वैली भी है, सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद फूलों की है। तो अब यहाँ से बना लेते हैं अपने लिए एक बेड अच्छा सा वाइट कलर का। और आपको मेरी स्किन कैसी लगी न्यू, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और अभी रात भी होने वाली है तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना डेरा यहीं पर डाल लिया जाए और घर वगैरह यहीं पर बनाएंगे अपना। तो अभी यहाँ पे अपना बेड सारा सामान रख देते हैं और क्राफ्टिंग टेबल फर्नेस चेस्ट तो मैं लेके नहीं आया वहाँ से ग्रीन पोर्टल वाली, तो अभी सारा सामान ज़्यादा इतना भी सामान नहीं है मेरे पास, तो यहीं पे रख देते हैं। और वीडियो को यहीं पे अभी समाप्त करते हैं, जल्दी से सनसेट्स देख के आपको भी दिखाता हूँ कि सनसेट सेडेस के अंदर कैसा दिखाई दे रहा है। तो चलिए यार जल्दी से इसको अपना खाना वगैरह कुक कर लेते हैं और थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, तब तक सनसेट्स भी हो जाएगा। फाइनली देख सकते हो यहाँ पे सनसेट हो चुका है और पीछे की ओर देख रहे हो पूरा का पूरा आसमान लाल 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 हो चुका है। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये शेडस जो कि मैंने बहुत कहीं से लिए थे, आपको भी दे दूंगा। तो अभी देख सकते हो सनसेट बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसी के साथ वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का वाला वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही एपिसोड नंबर 2 के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।